भोपाल इंडियन वेटनरी एसोसिएशन की महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष बबीता त्रिपाठी ने मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी विभाग के केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला को पत्र लिखकर महिला पशु चिकित्सकों के हित में एक दर्जन मांगों से अवगत कराया है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि महिला पशु चिकित्सक को 10 अतिरिक्त सीएल एवं चाइल्ड केयर लीव का लाभ मिले। महिला सुरक्षा की दृष्टि से उन्हें बिल्कुल रिमोट एरिया में पदस्थ नहीं करना चाहिए। सभी कार्यालयों में महिला चिकित्सकों के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था हो। साथ ही प्रत्येक संस्थान या कार्यालय में महिला पशु चिकित्सकों के छोटे बच्चों के लिए केश की सुविधा हो। गरीब महिलाओं को सहायक के तौर पर महिला पशु चिकित्सकों के साथ पदस्थ किया जाए। सभी हॉस्टलों में कैमरे लगाए जाए। सभी पशु चिकित्सक कॉलेजों में साइकेट्रिक्स काउंसलर की पदस्थापना की जाए। सभी कॉलेजों में एक अध्यात्मक और संस्कार का सेशन होना चाहिए। अध्यक्ष बबीता त्रिपाठी ने कहा कि केरल सरकार छात्र सिद्धार्थन की मौत के दोषियों पर सख्त कार्रवाई करे। साथ ही केंद्र सरकार सभी पशु चिकित्सक महाविद्यालयों में छात्र छात्राओं की काउंसलिंग के लिए एक काउंसलर को नियुक्त करे, जिससे बच्चों को में सद्भाव बना रहे। छात्र पशु चिकित्सक, एक छात्र की हत्या हुई है, जो आने वाले समय में पशु चिकित्सक बनता, उसकी हत्या हुई है, उस पर आपका क्या कहना है और आप लोग यहाँ क्या करने जा रहे हैं उसके लिए? मायनाट में जो छात्र की पशुपालन पशु चिकित्सा कॉलेज में छात्र की मृत्यु हुई है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं इस घटना की, जिसने भी अंजाम दिया है। और साथ में हम भारत सरकार को, केरल सरकार से मांग रख रहे हैं कि उस इस तरीके की घटना जहाँ जहाँ भी घटित हो रही हैं, उनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और अपराधी के लिए कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। अब चूँकि भविष्य में इस तरीके की घटनाएँ ना हों, क्योंकि महिलाएँ भी हॉस्टल में रहती हैं, उसके लिए हम सरकार से कुछ मांगे रख रहे हैं। कि सबसे पहले तो ये है कि जहाँ पर भी छात्र रहते हैं, छात्र छात्राओं के हॉस्टल हैं, उन हॉस्टल के चारों तरफ कॉरिडोर में और मेन जगहों पे कैमरे लगे रहना चाहिए, ताकि उनकी लाइफ में क्या घटनाएं घटित हो रही हैं हम समय समय पर देख सकें और वहाँ का डीन और प्रिंसिपल ऑब्जर्व कर सकें कि हॉस्टल में क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं। दूसरा हमने मांग रखी है कि छात्रों के लिए काउंसलिंग के लिए हर कॉलेज में एक साइकेट्रिक्स काउंसलर होना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे हैं वो अलग रहते हैं माँ बाप से, उनको मार्गदर्शन देने वाला, काउंसलिंग करने वाला कोई नहीं होता, तो वो काउंसलर उनका समय समय पर काउंसलिंग कर सके और समस्याओं का निदान कर सके। दूसरी चूक मानते हैं आप इस घटना को लेकर, किसकी चूक मानते हैं, किसकी चूक की वजह से घटनाएं? कॉलेज प्रशासन, स्वाभाविक है कॉलेज प्रशासन बच्चों का ध्यान नहीं रखता, उसी को जिम्मेदार ठहराऊंगी। और दूसरा, जो कॉलेज में पॉलिटिक्स होती है आपस में छात्रों की, इसको ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि छात्र वहाँ पे पढ़ने जाते हैं, छात्र सही दिशा में पढ़ाई करें, और उसके लिए इस नेतागिरी से उन लोगों को दूर रहना चाहिए। और डॉक्टर्स के संरक्षण के लिए, अधिकारों के लिए ऑलरेडी इंडियन वेटनरी एसोसिएशन बना हुआ है जो डॉक्टरों के लिए काम कर रहा है। छात्रों को ये आपस की पॉलिटिक्स को ख़त्म कर देना चाहिए सभी कॉलेजों में। क्या वजह निकल के आई है सामने इस घटना के पीछे, कभी जानने की कोशिश? हाँ, मैं केरल गई थी, वहाँ पे हमने ये देखा कि छात्रों के दो समूह हैं जिनका आपस में विवाद था, और उसके कारण ही शायद लड़ाई झगड़े में ये सब हुआ है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि ये छात्रों का जो पॉलिटिक्स चलती है इस कॉलेजों में, ये ख़त्म हो जाना चाहिए। नाम बता दीजिए अपना। डॉक्टर बबीता त्रिपाठी, अध्यक्ष इंडियन वेटनरी एसोसिएशन महिला प्रकोष्ठ, प्रोग्रेसिव वेटनरी डॉक्टर वेलफेयर एसोसिएशन। भोपाल से संवाददाता आशीष द्विवेदी की खास रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं? एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक, हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास। शिफ्टिंग की टेंशन? अब नो टेंशन, शिफ्ट गो पैकर्स एंड मूवर्स है ना, जो आपके घर के पूरे सामान के साथ आपकी बाइक व कार को सुरक्षित एवं जिम्मेदारी के साथ आपके घर तक पहुंचाता है। तो अब देख इस बात की, आज ही संपर्क करें 8821000717।